27 है, अभी शाम के 6 बज गया है और आज है षष्ठी। तो एक्चुअली आज मम्मी लोग पूजा करते हैं बच्चे लोगों के लिए, षष्ठी पूजा। हमारे यहाँ पर तो मम्मी लोग व्रत रखते हैं पूरा दिन, बहुत सारे आइटम बनाते हैं, भगवान जी के पास लगाते हैं, और जो होता है ना तालाब तालाब में जाके कुछ पूजा करते हैं। मुझे इतना सारा रिचुअल पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर करते हैं बहुत जन। तो मैं कभी भी ये व्रत नहीं रखी हूँ, सिर्फ मैं भगवान जी के पास पूजा कर देती हूँ। सुबह पूजा की थी, अभी शाम के टाइम में थोड़ा सा संध्या आरती की हूँ। तो गाइस आज षष्ठी के लिए बहुत सारे शुभेच्छा, जो बच्चे लोग देखते हैं मेरा वीडियो सबको बहुत ढेर सारे प्यार। आज पूरा दिन भेज खाना हम लोग खाए हैं, तो अभी मैं कोकोनट के लाड्डू और जो बेनाना का जो होता है गुलगुला, ये दो चीज बनाऊंगी, तो क्यों ना आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं जैसे बनाती हूँ ना आपके साथ आज थोड़ा सा मैं शेयर करूंगी। तो किचन में जाती हूँ, चलिए। तो गाइस आपको बता दूं, पहले मैं कोकोनट के लड्डू बनाऊंगी। तो यहाँ पर किचन में आके पहले मैं यहाँ पर जो जो इंग्रेडिएंट्स लगता है ना सब कुछ रेडी कर लिया और एक एक करके डालूंगी, आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पर गैस ऑन करके एक सिल्वर की कढ़ाई में गरम होने के लिए दे दिया हूँ। गरम भी हो गया है, देख लीजिए, मैं यहाँ पर हाथों में देख रही हूँ, आप भी इस तरह देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 125 ml पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी मत लेना, चीनी जितना है उस तरह मेजरमेंट करके आप पानी डालना, ठीक है। देखिए यहाँ पर 125 ml की एक कप में पानी डाली हूँ और पानी गर्म हो गया, तो चीनी डाल रही हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 250 ग्राम चीनी है, तो चीनी को यहाँ पर हम लोग उबाल लेंगे। जैसे उबालना स्टार्ट हो जाए तो आप इस तरह घुमाते रहिए, अगर नहीं तो फिर नीचे लग जाता है ना, इसीलिए जितना टाइम आपका जो ये चीनी का जो लिक्विड नहीं होता है आप घुमाते रहिए, ठीक है। अभी देना है मुझे नारियल की पेस्ट, यहाँ पर 2 नारियल मैं लिया था। नारियल पेस्ट डालने के बाद अब इस तरह घुमाते रहिए, नहीं तो फिर नीचे लग जाता है, और जितना टाइम आप घुमाएंगे ना मतलब एक परफेक्ट नारियल लाड्डू के लिए रेडी जब नहीं होता है, अब इस तरह घुमाते रहिए, ठीक है। और मैं ठीक है मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं घुमाते रही हूँ। तो इस कढ़ाई को नीचे ले लेंगे ठंड करने के लिए, और इसके साथ और भी कुछ मिलाऊंगी। देखिए यहाँ पर खोया है, 1 कप खोया और ड्राई काजू मिक्स करके, तो ये थोड़ा सा ठंड होने के बाद ना अब हाथों में जैसे लेची होता है ना आटा की, इस तरह हाथों में आप बना सकते हैं। और ये थोड़ा सा ज्यादा ड्राई हो गया है ना, तो आप इसके साथ थोड़ा सा दूध मिक्स कर सकते हैं। तो गाइस लड्डू बन गया, अभी बनाऊंगी केला और आटा की गुलगुला। यहाँ पर सब कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिया, तो देखिए किस तरह मैं कैसे मतलब ये गुलगुला बनाती हूँ।
तो पहले गुलगुला के लिए इस बाउल में आटा डालेंगे। तो मैं यहाँ पर बाटी में मेजरमेंट की हूँ, तो आप चाहे तो कप में भी कर सकते हैं। 3 केला और इसके बाद डालूंगी नारियल छोटा छोटा पीस कट करके रखी थी, देखिए नारियल पेस्ट भी डाल सकते हैं और चीनी। देन इसको क्या करना है, इसके साथ और भी कुछ मिलेगा, देखिए ड्राई काजू, सब कुछ इंग्रेडिएंट्स एक साथ हाथों में मिक्स करेंगे। चम्मच में ना अच्छा से मिक्स नहीं होता है, इसीलिए मैं हाथों में यहाँ पर कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा पानी चाहिए तो पानी मत दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा दूध दीजिएगा तो अच्छा टेस्ट लगता है। यहाँ पर मेरा जो ये डो बन गया ना, इसमें पानी नहीं लगा है, सिर्फ केला से ही हो गया है। तो आप चाहे तो दूध थोड़ा सा डाल सकते हैं। और तेल यहाँ पर गर्म हो गया, एक एक करके हाथों में मैं दे दूंगी, आप चाहे तो चम्मच में छोटा छोटा करके भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये दो रेसिपी आपको जरूर पसंद आया होगा, तो मेरा बेटा और बेटी का बहुत फेवरेट है, तो इसीलिए आज षष्ठी पूजा में भाई बहन दोनों के लिए इस तरह बना दिया। और ये लाडू सबको एक एक करके टेस्ट कर चुके हैं, तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। गाइस आप सभी के लिए इस तरह मैं कैमरा के पीछे दे रही हूँ, तो आप खा लीजिए। तो गाइस आज का ये वीडियो अभी एंड करूंगी, तो नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम।